जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जिन्होंने अभी अभी कर्नाटक में ऐसा काम करके दिखाया है जिसने देश की आंखें खोली हैं भारतीय जनता पार्टी की झूठ के खिलाफ। मेरे साथ बहन किरण चौधरी जी हैं, हमारी सीनियर नेता, पूर्व सीएलपी लीडर, आज के दिन एमएलए तो हैं ही, पूर्व डिप्टी स्पीकर दिल्ली की। काम करने में आज भी आप जानते हैं कि विधानसभा में सरकार के खिलाफ कोई मजबूत आवाज़ उठाता है तो वो किरण जी हैं। साथ में हमारे दो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, चौधरी रामकिशन जी, पूर्व सीपीएस सुरेश गुप्ता जी। साथ में हमारे एमएलए साहिबान गोगी जी हैं असंत से, हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं कालका से, हमारे विधायक बहन रेणु बाला जी हैं सढौरा से, हमारी विधायक मेरे छोटे भाई चंद्र मोहन जी पूर्व डिप्टी सीएम हैं, डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, हमारे रोहित जैन जी जो हमारे ट्रेजरर होते थे, संजीव जी हैं और अन्य साथी यहाँ पर, ओपी जी हैं, अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है, डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहां 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहां गए वो वायदे। हरियाणा की हम बात करें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गए, और अगर हम 19 से अब तक देखें, पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, तो साथियों ये सरकार तो हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई। कहां लोगों को उम्मीदें थी और सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन हमारे युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के, जो कि प्रतिभाशाली हैं, दुनिया में हमारे लोगों का नाम होता है, आईटी सेक्टर में नाम होता है, खेलों में नाम होता है, हर सेक्टर में हमारे युवा किसी से कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जहां मौका मिलता है वहां ये चमकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है। आज के दिन अगर हम बात करें तो हरियाणा हब किस चीज का बना है, ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोजगारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूंगी, उसके बाद
मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुणी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। 40 से अधिक परीक्षाओं के पेपर बेचने वाला पेपर लीक माफिया बन चुके हैं। बेरोजगारी में, जैसे मैंने कहा, हमारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बेतहाशा बेरोजगारी, अकेले सीईटी के पेपर के लिए आप जानते हैं कितने हमारे युवाओं ने फॉर्म भरा था? 11,22,000 युवाओं ने फॉर्म भरे। और कच्ची नौकरी के लिए कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया, ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? 7,72,000 लोगों ने। हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड और निगमों में क्लास 3 और 4 के 60,000 पदों की भर्ती के लिए 10,00,000 से ज्यादा युवाओं ने दरखास्त दी। आज के दिन हमारे पास हरियाणा में ना कच्ची नौकरी है ना पक्की नौकरी। सीईटी का तो नाम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट रख देना चाहिए। हम सीईटी के बारे में डिटेल में मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे। साथियों, आज के दिन हरियाणा में 2,00,000 पद खाली पड़े। अब उनको ये कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या हश्र होगा हमारे युवाओं का, आप सोच सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी अपने साथियों से कि इस पर और थोड़ी ज़्यादा तफसील से जाएं, डिटेल में इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर, इन पॉइंट्स पर नज़र डालें, आपका ध्यान आकृष्ट करें और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, इस भारतीय जनता पार्टी जिनके मुखिया खट्टर जी हैं और जजपा इनकी सहयोगी पार्टी है, इनकी असलियत के बारे में आपको और हरियाणा की जनता को बताएं। तो मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये सीईटी के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से, आप जानते हैं ये तो डिटेल में जाके इनकी समझ बहुत बारीकी की है, ये आपको समझाएं। धन्यवाद।